नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द पोलैरिटी। जनरली हमने देखा है कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, लेकिन जैसे हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, हेटरोटॉमिक इन द सेंस HCl, HBr, HI मींस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में? एल्काइल मेटल के रेस्पेक्ट में। इट मींस जो बॉन्डेड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, मींस अगर हम देखें इस तरीके से, अगर हम इस तरह से देखें H और Cl इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, H का इलेक्ट्रॉन यह है, Cl का इलेक्ट्रॉन यह है, ठीक है, ये वन इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ा सा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस कारण से Cl का माइनस चार्ज स्लाइटली पॉजिटिव और हाइड्रोजन का स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंपाउंड में आयनिक करेक्टर शो होगा, पोलर करेक्टर, पोल बन गया इसके अंदर। पोल क्यों बन गया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर समझ लें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे पोलर करेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। इस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कहते हैं, ओके। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स व्हेन द एटम्स जॉइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स आर सेम, जैसे H2O2 N2 Cl2, इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों क्लोरीन है, दोनों हाइड्रोजन, दोनों ऑक्सीजन है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टिव, हाइड्रोजन का केस अगर हम देखें इस तरीके से H और इस तरीके से H, तो दोनों में सेम नेचर होने की वजह से बीच में ही एग्जिस्ट करेगा ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, ना तो इस हाइड्रोजन की तरफ को शिफ्ट होगा ना इस हाइड्रोजन की तरफ को शिफ्ट होगा। इट मींस ऐसे कंपाउंड क्या बनाएंगे? नॉन पोलर बॉन्ड बनाएंगे, ओके। The shared electron is equally attracted by two atoms and thus the shared electron pair is equidistant to both of the atoms. Alternatively, we can say that it lies exactly in the center of the bonding atoms. As a result, no poles are developed and the bond is called non-polar covalent bond. The corresponding molecules known as non-polar molecules, for example, are aapke samne hain. ध्यान से देखें, यहाँ पर एक पोल जनरेट हुआ, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आया, नेगेटिव चार्ज इस पर आया, तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या है? इन दोनों का चार्जेस करेक्टर क्यू इनटू बी, क्यू क्यू मींस चार्ज ऑफ पोलर स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीशीज इज कॉल्ड म्यू, म्यू इज द डाइपोल, डाइपोल इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये बताया इन्होंने। ड्यू टू द पोलैरिटी पोलर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज डाइपोल मॉलिक्यूल एंड दे पजेस डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जो अभी मैंने बताया, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, क्यू क्या है चार्ज और डी क्या है डिस्टेंस है। डाइपोल मोमेंट की यूनिट होता है डिवाइड, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 3.33564 × 10⁻³। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विद टेल और पॉजिटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर, ये पॉजिटिव इस तरफ आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव सर एरो नेगेटिव की तरफ जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस, ओके। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट for determining the polarity of the molecules, in finding the shape of the molecules, for example, the molecules with zero dipole moment will be linear. It means dipole moment equal and opposite direction में cancel out, जैसे CO2 है, this one, CO, CO2 है, जितना dipole इस तरफ वर्क करा उतना ही dipole same direction में, तो equal and opposite direction होने पर dipole moment क्या होता है इसका zero, जबकि H2 में ऐसा नहीं होता,
H2 में, दिस वन ये H2 की शेप है, H2 का भी इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल्स का चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल्स ऑफ जीरो डायपोल मोमेंट विल बी लीनियर शेप, लीनियर और सिमेट्रिकल। दोस मॉलिक्यूल व्हिच हैव द अनसिमेट्रिकल शेप विल बी आइदर बेंट, जैसे NH3 का बताया NH3 बेंट स्ट्रक्चर शो करता है। इन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इससे हम आयनिक कैरेक्टर भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।